फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। जिन तेवर के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जानी जाती हैं, आजकल वह कुछ नरम दिखाई दे रही हैं। आज लोकसभा में बसपा के बिजनौर के सांसद मलूक नागर ने भाजपा का समर्थन किया तो कांग्रेस को बड़ी नसीहत दे डाली। मलूक नागर ने कहा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है, जिस कारण उनकी भी बदनामी हो रही है। बीच में बैल बज गई तो स्पीकर मैडम से हाथ जोड़कर बोले कि आज उन्हें बोलने से ना रोका जाए। आज पहली बार हुआ है कि मेरे सामने अमित शाह बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने बोल रहा हूं, मुझे आज दिल खोल के बोलने दो। यह सुनकर अमित शाह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। मलूक नागर की भाजपा के प्रति ये दरियादिली व कांग्रेस की खिलाफत व नसीहत की राजनीतिक गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक संशोधन बिल आ रहा है, जिसमें आईएएस व आईपीएस अफसरों का जम्मू कश्मीर से बाहर और बाहर के इन अफसरों का जम्मू कश्मीर में तबादला किया जा सकेगा। ज्यादातर विपक्ष इनका विरोध कर रहा है। आइए देखते हैं क्या बोले। आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं साहब। पहली बार मौका मिला मुझे अमित शाह जी के सामने बोलने का, बोल दे दो। कभी आज तक जिंदगी में नहीं मिला, कभी जिंदगी में आज पहली बार बोल रहा हूं मैं सामने सब। मैं एक है, मैं बिट्टू जी बेस कर रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।